दोस्तों अगर आप भी विदेश घूमना चाह रहे हैं तो सिंगापुर को चुनना आपके लिए एक समझदारी का सौदा होगा, क्योंकि यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। साथ ही इस देश को प्रकृति ने बड़े ही फुर्सत से नवाजा है, लेकिन इस देश को लेकर कई अजीबोगरीब तथ्य हैं जिन्हें सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सिंगापुर के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दी घंटी को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लेना, और हाँ वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंगापुर में चिंगम बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है। फिर भी अगर कोई चिंगम खाते हुए वहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की जेल या फिर $1,00,000 का जुर्माना देना पड़ता है। नंबर टू, सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ की खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है यहाँ का सख्त कानून। इस कानून के मुताबिक अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूकता है तो इस इंसान को $1,000 का जुर्माना देना पड़ता है। नंबर तीन, सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी तुलना भारत से की जाए तो यह देश भारत से करीब 4,400 गुना छोटा है, लेकिन सफाई के मामले में बहुत अच्छा है। नंबर चार, दोस्तों हम बात करते हैं कि कचरा फेंकने की। अगर सिंगापुर में कोई भी जाने या अनजाने में गंदगी फैलाता है तो उसको $300 तक जुर्माना देना पड़ता है। अगर यही गलती बार बार उसकी तरफ से दोहराई जाती है तो उसको 1 हफ्ते के लिए सड़कों को सफाई करने की सज़ा मिलती है। मतलब आप अगर गलती करते हैं वहाँ पे तो आपको पूरे 1 हफ्ते के लिए सड़कें साफ करनी पड़ेंगी वहाँ की। नंबर पाँच, दोस्तों सिंगापुर को सीओ का पूरी यानी सीओ का शहर कहा जाता है, लेकिन इसकी खास बात तो यह है कि वहाँ पे एक भी शेर यानी लॉयन नहीं है। बहुत ही अजब है, सिंगापुर कहने के लिए तो सिंह का पूर है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक भी शेर नहीं है। बड़ी अजीब फैक्ट है। नंबर छः, जैसे कि भारत में हम लोगों को बहुत सारे नंगे बदन घूमने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन यदि सिंगापुर में आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ता है। आप सिंगापुर जाएंगे तो ये कभी मत ट्राई करिए कि आप नंगे बदन वहाँ पे घूम रहे हैं। आपको लगेगा कि फॉरेन में हूँ मैं, इंडिया से बाहर हूँ तो मैं घूम सकता हूँ, तो ऐसा कदापि नहीं है, आपको भारी जुर्माना वहाँ पे देना पड़ सकता है। नंबर सात, सिंगापुर में अगर आपको स्मोक करना है तो आपको अपने घर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर वहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब भी आपको ट्रैवल करना होता है तब भी आप अपने साथ सिगरेट लेकर नहीं जा सकते। बहुत ही अजीब कानून है, स्मोकिंग करने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर आठ, दोस्तों सिंगापुर के रोड के बारे में हम बात करेंगे। सिंगापुर में करीब 3,000 किलोमीटर तक के रोड बने हुए हैं जो हांगकांग तक जाते हैं। सिंगापुर में आपको ऐसे रोड देखने को मिलेंगे जिसकी लंबाई 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और ये हांगकांग तक पहुँच जाते हैं। नंबर नाइन, सऊदी अरब की तरह सिंगापुर में भी बहुत मात्रा में मौत की सज़ा सुनाई जाती है। वहाँ पे ज़्यादातर मौत की सज़ा ड्रग्स डीलर से ही जुड़ी होती है, मतलब ड्रग्स वहाँ पे बैन है। अगर आप ऐसा करते हुए दिखे वहाँ पे तो आपको बहुत बड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर आप ड्रग्स के मामले में कहीं पकड़े जाते हैं वहाँ पे तो आपको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। नंबर टेन, सिंगापुर बहुत ही महंगा देश है और यहाँ पर छठा आदमी अरबपति है, मतलब वहाँ पे अरबपति की संख्या कम नहीं है। हर 5 आदमी को छोड़ेंगे तो हमको छठा आदमी वहाँ पे अरबपति दिखेगा। बहुत ही अमीर देश है। नंबर 11, सिंगापुर में आप पब्लिक प्लेस में गाना नहीं गा सकते हो। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको 3 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। तो ध्यान में रखिएगा, आप अगर सिंगापुर में जाते हैं तो कभी भी पब्लिक प्लेस में गाना मत गाइए। अगर आप गाना गाते पकड़े गए वहाँ पे तो आपको जेल हो सकती है, हो सकता है आपको फाइन लगे बहुत बड़ा वाला, तो आप उसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नंबर 12, सिंगापुर में आप किसी को बताए बिना उसका वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते पकड़े गए तो आपको 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर हैकिंग माना जाता है। हमारे इंडिया में तो हम दोस्त को बोल देते कि भाई थोड़ा सा वाईफाई शेयर कर दो, मुझे काम है, लेकिन आप अगर सिंगापुर में होंगे तो आप ये नहीं कर सकते। इसका मतलब वहाँ पे समझा जाता है कि आप किसी ना किसी की हैकिंग कर रहे हो, और आपको जेल हो सकती है, आपको बहुत बड़ा तगड़ा फाइन लग सकता है। तो ये फैक्ट आपको सिंगापुर में जाएंगे तो ध्यान में रखना है। नंबर 13, सिंगापुर में आप दीवार पर पोस्टर या किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट चिपका नहीं सकते। ऐसा करने पर तुरंत ही सज़ा सुनाई जाती है। हमारे भारत में तो आपको हर दीवार पर पोस्टर दिखेंगे। हमारे गवर्नमेंट को इसके बारे में सख्त होना चाहिए, तभी हमारा इंडिया एक स्वच्छ इंडिया बनेगा। हम अगर सिंगापुर की बात करेंगे तो जितने भी मैंने फैक्ट बताए इसमें सब पॉजिटिव फैक्ट्स है,
जो उनकी सिंगापुर सिटी को एक अच्छी सिटी बनाने के लिए कारणीभूत करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट्स पसंद आए होंगे और सिंगापुर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो स्क्रीन पर जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।